सामने ही है, यहाँ पे फैमिलीज भी आ रही हैं, रश लगा हुआ है। सिर्फ दो आइटम है, चिकन कॉर्न सूप और यखनी, और माशाल्लाह बड़ी रौनक है। ये बटेर के अंडे? अरे नहीं यार, मैंने तो आज तक बटेर के अंडे खाए नहीं है, लेकिन आज खा के देखेंगे। हाँ भाई, तो फिर तो ये मुन्ना नाम किसने रखा भाई? ऐसी प्यास से लोगों ने रखी है, निकनेम बना दिया। मुन्ना भाई MBBS देखी है आपने? जादू की जप्पी पगले रुलाएगा क्या ऐसा? क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त सीन बना हुआ है ये तो। लग रहा है रस्सी से बना हुआ ये है। घस के हिसाब से बेचते हैं, घस के। ये जो कस्तूरी दूध है ना, इसमें शहद है, जायफल जावित्री है, देसी अंडे हैं, जाफरान है। तो ये मतलब ये आप दूध पी लें तो आप फिर ये हुडी वुडी उतार के टी शर्ट में घूमें, ये ऐसा आइटम है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं उजिया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाजमाबाद 5 नंबर में। बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है और हम यहाँ पे आए हैं, बटेर का सूप और बटेर की यखनी यहाँ पे मिलती है भाई, बड़ी मशहूर है वो। मैंने पहले ट्राई नहीं की है, उसको ट्राई करेंगे और उसके बाद जाएंगे नाजमाबाद 2 नंबर। बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे भी फूड स्ट्रीट है, किस्म किस्म के आइटम मिलते हैं और वहाँ पे फ़िश का भी सीन है। तो ज़रा कुछ एक्सप्लोर करते हैं नाजमाबाद में क्या हो रहा है और आपको भी दिखाते हैं। तो फिर चलें। ये देखो भाई, स्पेशल बटेर की यखनी एंड चिकन कॉर्न सूप। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से, मज़े में? कैसे भाई जान, ठीक है भाई? बटेर की यखनी और चिकन कॉर्न सूप? जी हाँ, बटेर की यखनी है और चिकन कॉर्न सूप है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये बटेरें रखी हुई हैं और पीछे दूर तक लोग बैठे हुए। सादा बटेर की यखनी 50 रुपये, अंडे वाला यखनी 80 रुपये, एक बटेर एक यखनी 200 रुपये। अच्छा, बटेर के अंडे भी हैं क्या? बटेर के अंडे कहाँ पे? बटेर के अंडे? अरे नहीं यार, बटेर के अंडे उबले हुए अच्छे होते हैं। ये कैसे होते हैं? चिकन के जैसे ही होते हैं? चिकन के जैसे होते हैं, जायका अच्छा होता है इसका। सीने के बच्चों के लिए काम आते हैं ना, बच्चे बड़े काटते हैं तो सीना वीना साफ हो जाता है। अच्छा, गर्म होते होंगे ना ये? सांस वालों के लिए अच्छा है। सर्दी का माहौल जो है ना वो शुरू हो गया है भाई, बारिश भी हुई थी कराची के अंदर, उसके बाद जो है वो ठीक ठाक सर्दी शुरू हो गई है। तो ये माहौल देखें आप माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई? ठीक है, डोंडे वाली है माशाल्लाह से। आप रज देखे हैं, दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं ना। आज का ब्लॉग बता कैसे आपका नाम? तो बताएं ब्लॉग का नाम। मेरा नाम है जिया तबारक और मेरा यूट्यूब चैनल है स्ट्रीट फूड टीवी। सबको कह दो, सबको बोलो कि सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सुन लिया, अब बच्चों की बात तो माननी पड़ेगी, सब्सक्राइब कर दो वो फौरन, है ना। ये देखें भाई, आप वहाँ से सूप निकल रहे हैं और यहाँ पे ये पूरी एक साइकिल बनी हुई है। ये पापड़ी सूप के ऊपर डालते हैं, सूप के साथ यखनी में तो पापड़ी नहीं आएगी। नहीं, ये यहाँ पे बटेरे रखी हुई हैं और यहाँ पे ये अंडे जो हैं वो ये भाई यहाँ से देसी अंडे फार्मी अंडे और बटेर के अंडे, सारे अंडे मिलेंगे यहाँ पे। है जबरदस्त यार, ये भाई बटेर के अंडे। और ये देखने में तो इतने कोई एपेटाइजिंग नहीं लगते, लेकिन खाने में इसके बड़े फ़वाद हैं। भाई ने बताया कि सांस के मरीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदा मंद है, छोटे बच्चे जिनका नज़ला ज़ुकाम हो, सीना भारी हो गया हो, तो ये गर्म चीज़ें जो है ना उनकी तासीर गर्म जिनकी हो सर्दी के मौसम में, वो खाने से बड़ा फ़ायदा होता है। मैंने तो आज तक बटेर के अंडे खाए नहीं हैं, लेकिन आज खा के देखेंगे। कितने बजे शुरू होता है ये? 6 बजे से रात 4 बजे तक। रात 4 बजे तक? जी माशाल्लाह। ये देखें भैया, ये बटेर की यखनी जी, यहीं पे पकाते भी यहीं पे तैयार है, ये तैयार होके आती है ना यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, ये कब से लगाया आपने? माशाल्लाह 20-22 साल हो गए। अच्छा, और अच्छा रिस्पॉन्स है, मुनासिब कीमत है। ये 12 महीने होता है? 12 महीने होता है, सिर्फ जून जुलाई बंद हो रहा है। अच्छा, और बटेर भी 12 महीने? 12 महीने बटेर। हाँ, सर्दियों में लेकिन ज़रा रौनक ज़्यादा होती होगी। हाँ, सर्दी में रौनक ज़्यादा होती है। सही बात है, सर्दी का ही आइटम है ना। हाँ सही बात है।
हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये नमक काली मिर्च वगैरह जो है ना ये खास अंदाजे के मुताबिक यहीं पे डाला जाता है। आपका नाम क्या है भाई? 20 रुपए खुलना है आपके पास। आते भाई ये चटनी कौन सी है, किस तरह की है? ये ग्रीन चटनी है। ये खट्टी है क्या? है ग्रीन चटनी होती है, सिर्फ हरी मिर्च की बनी होती है। तो ये बटेर पे ही डालते हैं खाली? हाँ, सिर्फ बटेर पे और चिकन कॉर्न सूप पे डालते हैं। ओके, दो भाई को दो पीछे। एक सादा यखनी, कैसे आप ठीक है भाई? एक सादा यखनी दिएगा। माशाल्लाह भाई, बटेर का डिमांड बड़ी जबरदस्त है। बटेर सर्दी का दुश्मन, सर्दी का दुश्मन बटेर। सामान में छोटा, ताकत में डबल, ये बात। अच्छा, ये खाली बटेरी किसको लोग खाते हैं? उसको इस तरह देते हैं? नहीं, खाली बटेर होती है प्लेट में और एक प्याला सूप का। अच्छा अच्छा अच्छा, खाते जाओ और साथ साथ। ओके अकरम भाई, ये लोकेशन बताए, क्या क्या लोकेशन है? ये आसान लोकेशन है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल रेलवे फाटक, नज रेलवे फाटक, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, नाजमाबाद, पापोश नगर। हाँ, वो जो 7 नंबर वाला ब्रिज है उससे पहले जो गली अंदर जा रही है उससे सीधा 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 आ जाए, और ये जो फाटक है, फाटक के साथ अंदर जो है ना ये सारा सीन बना हुआ है भाई। पापोश में आके किसी से भी पूछेंगे वहाँ छोड़ के जाए। हाँ, गंडे वाली यखनी, कौन है यखनी? ये बटेरे एसी में होती है, एसी में यखनी भी निकलती रहती है, एसी से फिर वो आगे भी जाती जाती है ना। हाँ, ये बटेर डबल हो जाता है, पहले बटेर की यखनी भी बनती है और ये उबले हुए बटेर भी इसमें जाते हैं, डबल हो जाते हैं। हाँ, ये जो है ना इस तरफ वाला काउंटर पार्सल का है, वो वाला काउंटर डाइनिंग का है। जी हाँ, डाइनिंग का वो उस तरफ है। करम भाई, एक अंडा बटेर यखनी चाहिए हमको। बिल्कुल मिलेगी, आप ट्राई कीजिएगा। ये अंडा आ गया और ये यखनी आ गई, ये आ गई यखनी और ये आ गया बटेर। ओए होए 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 भाई, ये बॉल बन गई। चम्मच का है, चम्मच भी दीजिएगा। क्या कॉम्बो बनाया भाई, चलें अब इसको बैठ के खाते हैं। भाई आ गई है हमारी बटेर, और बटेर के ऊपर आप देखें ये थोड़ा सा चटनी भी है, और ये आ गई हमारी यखनी, और यखनी के अंदर बटेर का अंडा भी यकीनन होना चाहिए। ये आ गया नन्ना मुन्ना सा बटेर का अंडा, बिस्मिल्लाह। ओए ओए ओए, तो नमक काली मिर्च डाली है ना इन्होंने, यखनी का प्योर टेस्ट और नमक काली मिर्च का ही टेस्ट है इसमें, और बाकी जो यखनी है। सही की जो सर्दी हो ना उसमें पीने का, ये कराची में सर्दी है आपको पता है कि 2-4 हफ्ते की आती है तो आती है, अभी वो कड़ाके वाली आई नहीं है, लेकिन ये बटेर की यखनी तो भाई माइनस भी अगर हो ना तो आपको सेट कर दे। जो मीट है इस यखनी के अंदर वो चिकन का है, और ये बटेर ये आ गई। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप ये बटेर लें, बटेर का ये हम थोड़ा सा मीट लेंगे, बटेर जो है ना वो बॉइल्ड है, उसके ऊपर फिर ये नमक काली मिर्च डाल देते हैं, और यखनी के साथ आप इसको खाएं तो अच्छा कॉम्बो बनता है। बटेर अगर आप ना भी खाएं तो भी जो यखनी है ना वो उसका टेस्ट असल में है, तो मेन चीज़ है वो यखनी है, यखनी का टेस्ट बहुत आला है। बटेर ऑप्शन है, ज़रा मैं इस चटनी के साथ भी खाऊं, अभी मैंने विदाउट चटनी खाई है। ये आ गई थोड़ी सी चटनी। हाँ, चटनी है भाई गेम। बटेर का जो असल टेस्ट है ना भाई वो इस चटनी में, ये जो चटनी है ये थोड़ी सी स्पाइसी है, और जब बटेर आप खाएं थोड़ी सी इस चटनी के साथ खाएं तो एक बड़ा ज़बरदस्त स्पाइसी सा टेस्ट बनता है, तो बटेर का मज़ा इस चटनी के साथ है, तो इसके साथ खाएं तो मज़ा आ रहा है, वरना वो खाली बॉयल्ड है उसमें नमक और काली मिर्च है, लेकिन जो यखनी है नो डाउट उसका टेस्ट बहुत आला है। और अभी तक मैं अंडे पे इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि अंडा अंडा जो है वो बटेर का कैसा होगा,
कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है डेढ़ घंटा? चिकन जैसा ही होता है, जायका बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। ऐसा लगता है कि कुछ मगर ये समझ लगे अच्छी चीज़ है। मुर्गी के अंडे जैसा नहीं होता? नहीं, मुर्गी के अंडे जैसा नहीं है, मगर ये कि जायका बहुत अच्छा है इसका। अब बारी है अंडे की, पूरा तो एक साथ नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा तोड़ के खाऊंगा। है तो ये वन बाइट अंडा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इस तरह टेस्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ बटेर का अंडा। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी एक डिफरेंट तरह की इसमें स्मेल, हीक जो होती है ना अंडे के अंदर वैसे भी होती है, तो इसकी जो एक हीक टाइप की है वो ज़रा डिफरेंट है चिकन के अंडे से। चिकन का क्योंकि हम यूज़ टू हैं खाने के, हमें पता है कि उसमें उसको कैसा टेस्ट होता है। बटेर का अंडा लेकिन थोड़ा सा हटके है, और दो चार दफ़ा इसको खाएंगे तो यकीनन टेस्ट डेवलप हो जाएगा। मज़ेदार भाई, आपके सामने ही है, यहाँ पे फैमिलीज भी आ रही हैं, रश लगा हुआ है। सिर्फ दो आइटम है, चिकन कॉर्न सूप और यखनी, और माशाल्लाह बड़ी रौनक है, ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया। ये यखनी ख़त्म करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा भाई, यखनी पी के हम आ गए हैं नाजमाबाद दो नंबर पे, और ये पूरी जो रशीद कोरमे वाली गली है ना, पूरी फूड स्ट्रीट, यहीं कॉर्नर के ऊपर मैं पहले भी आया था, यहाँ पे मैंने वो ठंडी चीज़ें पी थी। आज यहाँ पे गर्म दूध भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पीछे जो है ना वो एक छोटा सा ठिया है मास्टर फिश के नाम से, तो उनके पास कौन सी मछली है, क्या सीन है, उसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, और ज़रा गर्म दूध वूध जो सब्ज़ी की सौगात है उसको भी चेक करते हैं, दूध जलेबी। कैसे मज़े ना आप, ठीक है, खैरियत से? ये मास्टर फिश आपका ही सेटअप है? जी, मुन्ना फिश नाम है। मुन्ना फिश? ओहो, मैंने गलत पढ़ लिया, मास्टर फिश भाई, मुन्ना मुन्ना भाई, ये मुन्ना भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप MBBS तो नहीं है? ऐसा ही है। नहीं यार, ऐसे ही है जी। जी मुन्ना भाई, MBBS? जी जी। अरे वाह भाई वाह। तो मुन्ना भाई, ये कौन कौन सी मछली है आपके पास? मछली हमारे पास सर मुश्के का फिंगर है, पापलेट है, कुंड है, मिट्ठू है। तो ये तो मुझे, ये अभी टाइम हो रहा है 10:20 जी जी, तो मुझे सन्नाटा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या खत्म हो गई मछली? तकरीबन हमारी खत्म हो गई है, भरा हुआ होता है सारा कुछ। कितने बजे आते हैं आप? हम आए थे मगरिब से पहले पहले, और उसके बाद हम होते लेट नाइट तक। कितना टाइम हो गया ये आपके इस मुन्ना फिश को? ये तो हमारा पुराना काम है, ठेले पे लगाते थे, अब तरक्की कर ली, काउंटर पे लगा रहे। अच्छा माशाल्लाह। ये देखो भाई, ये है मुन्ना फिश, और हम जो यहाँ पे आए ना, तो हमारा मकसद भी यही है कि जो हिडन जेम्स है ना कराची के, छोटे 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 छोटे, उनको भी एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी रश वाली जगहों पर तो सभी जाते हैं। क्यों भाई, है मुन्ना भाई? जी सर। है कि नहीं? लोग हसन स्क्वायर जा रहे हैं, किमाड़ी जा रहे हैं। हाँ, इतनी महंगी महंगी नाजमाबाद में आओ भाई। क्या साहब है ये पापलेट, क्या हिसाब है? ये हम दे रहे हैं 250 रुपए पाव। ये कितने कितने की होगी ये? ये वेट कर लेते हैं। ये व्हाइट वाली है जी, और ये वाली कौन सी है, लंबी वाली? ये कुंद है। कुंद? कुंद सबसे ताजी कौन सी है? सारी ताजी लगी रहे, नहीं हमारी फिनिश हो जाती सारी। और ये कौन सा है? ये मिट्टू है। मिट्टू? मिट्टू मिट्टू वो वाली मछली कौन सी है जिसको खाने के बाद जो है ना वो आप दूध पी रहे हो तो कोई मसला नहीं हो? मगरा होती है। मगरा? मगरा होती है जी जी। वो खाओ तो उसके बाद दूध नहीं पियो, है ना जी? हर मछली में तो ये मसला नहीं है, किसी मछली में नहीं होता, सिर्फ उसी में। एक ये निकाल लो, एक कोई और छोटी सी निकाल लो, ताकि दो मछलियाँ तो हो जाए कम से कम। ये कौन सी है भाई? मिट्टू। मिट्टू और लो सही है। ये कितने की हो गई अब? ये हो रही है आपके, अल्लाह वाला करे 550 रुपए दे दिएगा। 550 रुपए? देखो यार, देखो कितने रीजनेबल रेट में आपको पापलेट भी मिल रही है, मिट्टू भी मिल रही है 550 रुपए में, दो मछलियाँ। कितनी बन रही है, आधा किलो से ज्यादा है ये सर? 650 ग्राम बन रही है। 650 ग्राम 550 रुपए। चलो भाई, सारी कर लो इसको। ये कितने कितने दिन चलता है तेल ये सर? हम 3 दिन में तेल जो है जितना जितना साफ सुथरा तेल होगा उतना जायका अच्छा होगा, है ना? मसाले के कलर की वजह से? हाँ, मसाले से भी हो जाता है, सही बात है। हो गई? नहीं, ये थोड़ा हमने बाहर निकाला हवा लगाने के लिए। अच्छा, ये भी क्या तरीका होता है? थोड़ा ये पानी निकाल लीजिए, अंदर तक पक जाती है फिर ये। अच्छा जी। अच्छा भाई, थोड़ी हवा लगी, तेल वेल निकला, अब दोबारा ये फ्राई होने गई है। मुन्ना भाई, आपका नाम असल में क्या है? मेरा नाम है यासिर हैदर। यासिर हैदर जी भाई। माशाल्लाह। तो ये मुन्ना नाम किसने रखा भाई? ऐसी प्यार से लोगों ने रख दिया, निकनेम बना दिया। तो आपने वही मुन्ना फिश रख दिया जी।
मुन्ना भाई MBBS देखी है आपने? बिल्कुल देखी है। तो उसमें आपका फेवरेट बंदा कौन है, डायलॉग कौन क्या है आपका उसमें? जादू की जप्पी। वस्कर पगले रुलाएगा क्या ऐसा? पगले रुलाएगा क्या रही है सामने से? अरे भाई वाह 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 भाई, पक्के मुन्ना भाई है? पक्के मुन्ना भाई है भाई, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किसके फैन है आप सबसे ज्यादा? ओनली ओन बाबा। बाबा है वो? बाबा है बाबा। अच्छा बाबा, बाबा भाई बाबा, संजू बाबा। तैयार हो गई मुन्ना भाई की फिश? तैयार। ये भाई वाह, ये आया है मसाला। चलो भाई, ये हमारी जबरदस्ती फिश जो है ना, ये तैयार हो गई है। पापलेट और मिट्टू। मिट्टू आप खा के बताइए, मिट्टू है क्या? मिट्टू कौन सी फिश है ये? कलर इसका मिट्टू जैसा होता है। अच्छा, जो ग्रीन पैरेट, पैरेट फिश जो होती है ग्रीन वाली? अच्छा 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 अच्छा, पैरेट फिश एक होती है ग्रीन ग्रीन, वो है ये। जिया तबारक तो नहीं है ना आप, दूसरे वाले? जिया तबारक भैया। चले जी पापलेट टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। मुन्ना भाई जी, भाई जी, मजा आया आपको? चटनी लाए हो? बेहतरीन है, बेहतरीन है माशाल्लाह। तो हो गया सर यार, मछली जो है ना, नो डाउट बहुत जायकेदार है, मसाला भी बड़ा अच्छा है, और मछली जो है ना वो फ्रेश है। और ये फ्रेशनेस इसकी इसलिए भी है कि आप देखें, इनके पास मछली जो है ना वो ख़त्म हो गई है, मतलब ये रोज़ ख़त्म कर देते हैं। जब कल आएंगे तो ज़ाहिर है कि वो उसी दिन की फ़िश होगी। तो ये मछली तो मज़ेदार लगी मुझको, और बड़ा छोटा सा सेटअप है भाई। तो आप जब आएँ नाज़माबाद में मौजूद हो ना, तो ये बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर जगह बनी हुई है, रशीद कोरमे वाली गली है ये, मुन्ना फ़िश कॉर्नर, बड़ी मज़ेदार है। बट पापलेट मुझे वैसे ही पसंद है क्योंकि इसमें कांटे कम होते हैं, और ये फ़िश भी लजीज़ है, चटनी भी मज़ेदार है, और मछली भी अच्छी है। आला है। यूजुअली कराची में लेट नाइट तक खाने पीने की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन 10:30 बजे तकरीबन इनका माल जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो इस बात से भी पता चलता है कि भाई काम अच्छा है। ये है भाई पैरेट फिश, इसको ऐसे ही ट्राई करते हैं। ये मछली भी फ्रेश है, लेकिन जाहिर है कि जो पापलेट का टेस्ट है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। ये मछली भी जायके में अच्छी है, लेकिन पापलेट जो है ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उसका अपना टेस्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा है, और ड्राई भी बड़ी अच्छी की है इन्होंने। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से काफ़ी मॉइस्ट है, ड्राई नहीं है, और फिश का अपना जायका भी आ रहा है, साथ में मसाले भी, चटनी भी, तो भाई अच्छी तो है। वाह, कोई चपाती वपाती नहीं है, ऐसे ही मैं खा रहा हूँ और ऐसे ही मज़ा आ रहा है भाई। जिन लोगों को नहीं पता, लोकेशन मैंने बता दी है, मुन्ना फिश कॉर्नर पे आई है, और मुन्ना भाई को सपोर्ट कीजिए, ज़बरदस्त। ये देखिए भाई, ये है यहाँ पे मुन्ना फिश, और इसके बराबर में ही सामने जो है ना, ये ज़ाफ़रानी कस्तूरी, गर्मा गर्म गाजर का हलवा, और गर्मा गर्म दूध, और यहाँ पे ये काफ़ी ज़बरदस्त सीन बना हुआ है। यहाँ पे मैं आया था गर्मियों में। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, बहुत कैसे हैं आप? ठीक है, पहचाना नहीं पहचाना? माशाल्लाह हमारे पुराने, आप पहले भी आपने अच्छा हमारे साथ सेटअप किया, माशाल्लाह हमारी रबड़ी दूध और लस्सी का बहुत आपने इंट्रोड्यूस करवाया, फायदा हुआ उसका आपको? पहले फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह की उम्मत ही आप ही, हम भी देने वाला, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, अच्छी चीज का अल्लाह ताला खुद ही अस्बाब पैदा करता है। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह ही करने वाला है सारी चीजें। आज भी अल्लाह दम कर रहे हैं, हसन नहीं, अल्लाह ताला रोजी देने वाला है, अच्छी चीज का अच्छा नाम है। बेशक बेशक यार, रबड़ी रबड़ी भी है, खीर भी है, गर्म दूध भी है, लस्सी भी है, और सामने ही जो है ना वो उम्मुल खैर है, ये अबू सोले है, वो उम्मुल खैर है, और वो आपके छोटे भाई, छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई, वो छोटे भाई, दोनों भाइयों ने माशाल्लाह दूध लस्सी रबड़ी की दुकानें खोली हुई हैं, और पीछे बना हुआ है बड़ा जबरदस्त गरम गरम जलेबी भी होता है, जलेबी का सेटअप है, तो वो जरा गरम दूध ठंडे वाला दूध है, काले अल्लाह का नाम लेके काले काले अल्लाह का मतलब कुछ भी होगा। आ जाओ भाई आ जाओ, ये देखे भाई आप, ये बड़ा जबरदस्त सा माहौल बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? जबरदस्त। ये देखें आप भाई, गरम गरम यहाँ पे गरम गरम जलेबियाँ रखी हुई हैं, बहुत बड़ा सा एक कड़ाव रखा हुआ है, और उस कड़ाव के में जो है ना वो ये पक पक के उसका
कलर भी जो है वो हल्का येलो सा हो गया है पक पक के। ये छुआरे भी डलते हैं इसमें? जी छुआरे भी डलते हैं, जलेबी भी डलती है, नर छुआरा। ये बेहतरीन तोहफा सर्दियों का, बेहतरीन तोहफा सर्दियों का, दूध जलेबी और छुआरे। भाई कितने का है ये? 150 रुपये प्याला है दूध जलेबी का और सादा 80 रुपये का मलाई के साथ। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, जबरदस्त सीन बना हुआ है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, कैसे कर रहे हैं अंकल ये? यार ये तो लग रहा है रस्सी रस्सी से बना हुआ ये है। गज के हिसाब से बेचते हैं, गज के हिसाब से बेचते हैं। ये देखें भाई आप, गरम गरम ये जलेबी आई, ये जलेबी आ गई, ये आ गया इसमें दूध। दूध जलेबी खाएगा मुन्ना यूं मुस्काएगा। सुना है गाना ये? नहीं अब सुनूंगा। अब सुनना लगे आप, पुराना गाना है ये, पुरानी फिल्मों का गाना सुनते हैं आप? पुरानी फिल्मों के गाने? नहीं अब तो नहीं, आपको पता है लेटेस्ट जो चीजें आ रही होनी जिस पे गौर किया। अरे यार जो पुराने गानों की बात है वो नए गानों में कहा, जो सुन के रह गए। किशोर दा के गाने, मैडम नूरजहां के गाने, रफी साहब लता के गाने है अभी, अब सुन के देखेंगे। आजकल बुधाना वो फिल्मी माहौल बना हुआ है आज, मुन्ना भाई से जो शुरू हुआ है ना सीन। ये आ गई भाई दूध जलेबी, ये देखो भाई पाकोला दूध, चॉकलेट दूध, स्ट्रॉबेरी दूध, तरह तरह के दूध यहाँ पे है। और ये हमारी आ गई दूध जलेबी, ये कस्तूरी दूध है। हाँ तो कस्तूरी और उसमें क्या फर्क है? तो सादा दूध उसमें शहद डलते हैं, देसी अंडे डलते हैं, जाफरान डलते हैं, जयपुरी जयपुरी डलती है, अगर आप कस्तूरी इंशाल्लाह आप चेक करके देंगे। ले 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 ले, ये जो कप है ना, एक कप देख के मुझको याद आ गया मक्का मदीना। वहाँ पे क्या होता है कि जब अफ्तार वगैरह होती है ना, तो इस तरह के छोटे से कप के अंदर कावा सर्व किया जाता है गरम गरम। तो भाई ये कावा तो नहीं है, गरम गरम दूध है कस्तूरी। बिस्मिल्लाह। जैसी वो होती ना कश्मीरी चाय, जी वो टाइप के कश्मीरी चाय का थोड़ा टच आया है, लेकिन इसका टेस्ट डिफरेंट है क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं, काफ़ी सारे लवाजमात डलते हैं, और इसमें भी जो है ना वो ज़ाफ़रान, पिस्ते, बादाम, ये सब चीज़ें डाली गई है। भाई ये कस्तूरी दूध जो है ना, इसका पूरा गिलास जो है वो 150 रुपीज़ का है, और ये जो दूध जलेबी का प्याला है ये भी 150 रुपीज़ का है। तो ये सर्दियों की ख़ास सौगातें हैं ये जो हमारे हाथ में है दोनों अभी चीज़ें। भाई वाह मज़ा आ गया। चलो भाई ये आ गई दूध जलेबी। यार ये देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है ना, क्योंकि गाढ़ा है, बहुत देर तक इसको पकाया जाता है, बड़ा गाढ़ा गाढ़ा दूध होता है, और जलेबी, छुआरे, बादाम। बिस्मिल्लाह। जलेबी जो है ना वो मीठी है, और दूध के अंदर मेरे ख्याल है इतनी ज़्यादा कोई चीनी वगैरह नहीं है, सिर्फ उसको पकाया गया है। तो जब आप जलेबी डालते हैं तो जलेबी की मिठास आ जाती है, क्योंकि अगर दूध भी मीठा होगा जलेबी भी मीठी होगी तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब मीठा है। दूध जलेबी अपनी जगह भाई, लेकिन ये कस्तूरी दूध जो है ना ये नंबर इसके और नंबर ऊपर है। कस्तूरी दूध जो है वो बाद ही ले गया, आप मानो ना मानो, दूध जलेबी अपनी जगह भाई, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका, ज़ाफ़रान वगैरह, बादाम, पिस्ते, और चाय की तरह आपके गरम गरम कस्तूरी दूध पिए, सेहत के लिए भी अच्छा और ताकत के लिए भी, और सर्दी का तो तोड़ है ना, तो ये सारी चीज़ें, बटेर का सूप, मछली, कस्तूरी दूध, दूध जलेबी, मज़ा ही आ गया। ये भाई लस्सी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? शुक्रिया। जबरदस्त आमद हो गई आपकी। हाँ आमद हो गई, जरा हमने कहा सर्दियों का माहौल देखे हैं। थैंक यू सर, बड़ा खुशी हुई आपकी, पहले भी माशाल्लाह से मेरी अप्रिशिएट हुई थी काफी, लोगों ने परसाई करी,
और आप माशाल्लाह उसके बाद सरकार के पास चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। उस हमारी वीडियो के बाद सरकार की वीडियो लग गई तो उसकी वजह से हमारी और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ करें इसके बाद फिर दोबारा हाजिरी हो जाए। अल्लाह पाक बार बार ले जाए आपको आपकी मेहनत। आमीन आमीन। लगन और बस आप लोगों की दुआएं ही है कि हाजिरी हो जाती है हमारी भी। मैं कह रहा हूँ बड़ी दिल खुशाए जब हालांकि जितने भी फ्रेंड और आपके जितने फैन आए बोले यार जया भाई उमरे पे गए हैं मक्के मदीने में माशाल्लाह से हमने वो चेक कर रहे हैं उसके पहले आपकी आई वीडियो उसके बाद। अरे वाह 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 माशाल्लाह भाई। देखे मैं तो मुझे तो नहीं पता था कि ये कि यहाँ की मैंने वीडियो बनाई उसके बाद फिर मदीने की वीडियो आई। लेकिन लोग इस तरह से याद आपको करें ना तो ये भी ये नस्बत भी जो है ना वो ये कोई ये अल्लाह का करम है कि ये इस तरह से लोग आपको याद रखें तो ये अल्लाह ताला का बेशक करम है। बड़ी मोहब्बत आप लोगों की भाई। दिल खुशी हुई और आए और मैं बड़ा दिल खुश हुई आपको देख के। तो मैंने कहा यार एक साल पहले आए थे माशाल्लाह आ जाए तो जितने भी आपके फॉलो आए सब ने यही बोला यार वो मदीने मक्के की देखी उससे पहले आपकी वीडियो आमिर भाई तुम्हारी वीडियो थी पहले सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। उसमें तारीफ भी की लस्सी की और पूरी बेशक बेशक भाई ये जो तारीफ कर लगी माशाल्लाह ये लस्सी ये दूध जलेबी ये रौनक है ये नाज़माबाद की और इतनी अच्छी सारी बातें हो रही हैं। तो इसी अच्छे नोट के ऊपर आज की इस वीडियो का भी इख्तिताम करते हैं। आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई को सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिर चले मदीना चले इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आओ मदीने चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी ले जाए और जितने देखने वाले अल्लाह ताला सबको मक्का मदीना की साथ रमजान वहीं करेंगे हम भी बाद हाजरी नसीब फरमाए। आमीन 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 बहुत शुक्रिया।